घास क्या है? क्या प्रॉब्लम है यार मुझसे? अभी वो मारूंगा ना मरेगी बुरे वाली। चलो हाँ, सो गाइज इसने पूरा इंट्रो खराब कर दिया। सो गाइज हे गाइज वेलकम बैक टू द चैनल ऑस्टिन गेमर्स। सो गाइज आज हम लोग करने वाले हैं हमारे SMP में एज हाँ नॉर्मली तो हम लोग जानते हैं, हम लोग ने पहले नेदरराइट माइनिंग की। मैं आपको ना ये आपने वीडियो के स्टार्टिंग में जो क्लिप देखे रहेंगे आप तो जानते होंगे कि आर्मर अभी कैसे आया है, वो तो आप सभी जानते होंगे। और एक इंगट बच गया, अभी आप सभी कमेंट करना मैं इस इंगट से क्या बनाऊँ, अपने स्वॉर्ड वॉर्ड वगैरह करूँ कि अपने बाकी आर्मर पीस को कम्प्लीट करूँ इससे। और अभी हम लोग नेदर से पहले बाहर निकल जाते हैं, तो यहाँ पर रास्ता। अबे यार अभी ना इसको इतनी बुरी तरीके से मारूंगा ना रो देगी। मेरा एमिंग यार। चलो ठीक है, चलो वो मर गई। लेट्स गो। अरे भाई नेदर डायमंड आर्मर खराब हो जाएगा। चल 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 चल, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मेरा कैरेक्टर फुकट में डैमेज देख लेता है, एक्टिंग करता है मेरा कैरेक्टर। चलो चलो, अरे कुछ कुछ भी ना आता ही नहीं है मेरे इधर, फिर सब मैं फोड़ के चले जाता हूँ। लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे। हाँ तो आज का हम लोग का आज हम लोग के दो काम है। क्या प्रेस कर रहा हूँ। हाँ आज हम लोग के दो काम है। सबसे पहले तो हम लोग का जो ये जो वॉल है ना घर का, ये जो ऐसे टूटे इसको भी रिपेयर करेंगे, साथ में इसको थोड़ा लंबा करके ऊपर एक ये क्या एक फायरिंग सिस्टम बनाएंगे जो कि हम लोग के घर के आसपास के हर एक मॉब्स को मारेंगे। जैसे तुम लोग तो देख सकते हो ये मॉब, इसको कुछ डर नहीं लग रहा अभी। ओ हेलो, मेरे को अटैक करने आया था। हाँ तो मैं क्या बता रहा था, हाँ हम लोग ऐसे चारों तरफ घर के इधर ऐसा ऐसा बिल्ड करेंगे एक स्नो गोलेम का, और उसके आगे हम लोग वो फ्लिंट एंड स्टील लगा देंगे तो फिर हम लोग को वो मिलेगा। तो वो भी वो फायर बॉल फेंकेगा है, उसका स्नो बॉल फायर बॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ तो अभी हम लोग का और एक काम है, और मैं पहले सो जाता हूँ। सब ये स्वॉर्ड का नाम कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, मेरा कैरेक्टर भी नहीं है। हम लोग चलते हैं नीचे। ओ यार भाई ये थोड़ी देर मेरा डर गया है, तो हम लोग अभी सो जाते हैं। तो ठीक है अभी अभी हम लोग दूसरे, पहले तो अपना वो वाला वर्क को कंप्लीट करते। मेरे पास शोवेल है बट मेरे को शोवेल को रिपेयर करने का, तो हम लोग अभी चलते हैं ऊपर और थोड़ा सा लेके आते हैं स्नो, और स्नो से हम लोग बनाएंगे स्नो ब्लॉक्स। और उससे फिर पर लेकिन एक प्रॉब्लम है, अभी पता नहीं पंपकिन का जुगाड़ कहाँ से होगा। चलो ट्राई करेंगे हम लोग एटलीस्ट वहाँ पर ऐसा ऐसा बेस टाइप अभी तो नहीं शायद से हो पाएगा पर, लेकिन ये कोई SMP मेंबर को तुम लोग जल्दी से जल्दी बता देना। तुम सभी जानते होगे वर्धमान गेमर, उसको तुम लोग जल्दी से इन्फॉर्म कर। गालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। देखो लगा मैं राइट क्लिक प्रेस किया, घटता है यार। अभी के लिए ऐसे जुगाड़ पे फिक्स करते। तो फिर अभी अभी मेरा एक कर काम है, हम लोग को वॉल बनाना है अपना SMP में। और भाई गुड जॉब भाई, सब कुछ सैपलिंग लगाया भाई, पहली बार देख रहा हूँ। तो अभी हम लोग सबसे पहले स्नो तो अभी नहीं, तो हम लोग स्टोन लेने जाते। स्टोन के लिए केव यहाँ पे नीचे ही है, तो केव यहाँ पे पहले तो सब एकदम सिस्टमेटिकली करना है मेरे को हमारे इधर वर्ल्ड में। तो ये हम लोग यहाँ से जाते हैं ऊपर, और हम लोग पहुँच के अपने केव में, और भी यहाँ से हम लोग स्टोन कलेक्ट। ओह माय गॉड, अरे भाई यार, अरे यार ये तो गजब बेइज्जती हो गई यार। चलो ठीक है, अभी मैं सोच रहा हूँ ना मैं अलग जगह पे माइनिंग करता हूँ, थोड़ा काम भी हो जाना चाहिए और माइनिंग भी हो जाना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ स्टोन्स वगैरह पहले ना यहाँ पे चेस्ट वगैरह में ढूंढता हूँ किन किन में कितना।
यहाँ से मैं सोच रहा हूँ उस केव में तो देखो एक दूसरी केव है वहाँ पे जाके माइनिंग करता हूँ। हाँ चलो बंद हो गया, बहुत टाइम से ये चीज़ ट्राई करा था वो फेक हो ही नहीं। तो आखिरी रास्ता ये ओपी 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 और मेरे पिकेक्स का नाम भी है ओपी। यहाँ से माइन करते हैं स्टोन और इसको लगा देंगे हमारा, इससे ना मतलब वो क्या इसको स्मेल्ट करेंगे फिर इससे एक एक क्लिक में टूट रहा है। अगर तुम लोग मेरा माउस का साउंड सुन रहे होगे ना एक एक क्लिक में, हाँ अभी ध्यान से सुनना भाई साहब, एक एक क्लिक में ब्लॉक टूट रहा है भाई, कितना फास्ट पिकेक्स है मेरा। गाइस अभी ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम है, बहुत ज़्यादा मेहनती काम है, इसके लिए मैं माइन करके मिलता हूँ ठीक है। सो गाइस जैसे कि इधर देख सकते हो मैंने अभी इतने सारे कॉबलस्टोन माइन कर दिए हैं, अभी मैं यहाँ पे डर्ट फेंक के थोड़ा और स्टोरेज कर रहा हूँ। तो देखिए गाइस अभी हम लोग को ये सब को स्मेल्ट भी करना है। तो जैसे कि तुम लोग जानते होंगे विलेजर ट्रेडिंग हॉल में मैंने वहाँ पर बनाया एक लावा फार्म, जैसे कि तुम लोग जानते होंगे अच्छे से, मैं तो तुम लोग को टूर के वीडियो में भी मैंने तुम लोग को बता दिया था कि मेरे पास वो एक वो है और किसके कौन से नेदर एग को फेंक के भी स्टोरेज कर लेते हैं। नेदर एग किस लिए है, कौन से और उसको और कलेक्ट कर लेते कॉबल्स को। तो भाई अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे टॉर्चेस भी लगा दिए तो यहाँ पे कोई मॉब्स स्पॉन नहीं होगा। और मैं पहले एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे मैं पूरा नाइट में माइनिंग किया था, मतलब सुबह से लेकर रात तक सोया नहीं था मैं माइनक्राफ्ट ना रियल लाइफ में नहीं ठीक है। इसके बाद अभी ऊपर थोड़े और स्टोन्स बाकी और डर्ट बाकी है, उसको बाद में तोड़ लेंगे, अभी जितना काम कर उतना वहाँ पे बचे हुए जितने भी कॉबल स्टोन है ना उनको उठा लेते हैं, डिस्पॉन नहीं होने देते। और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो पिकैक्स की हेल्थ कितनी हो गई है। और अभी हम लोग चलते हैं, अभी हम लोग अब देखते हैं हम लोग के पास अभी हम लोग स्मेल्टिंग के लिए क्या कर सकते हैं। पहले नीचे एक फर्नेस में बकेट है ना उसको लेके फिर लावा भर देंगे। और थोड़ा कोल भी आया मेरे को तो मैं उस कोल को भी रख देता हूँ फर्नेस में नीचे। ओ यहाँ पे ऑलरेडी स्टोन है, चलो ठीक है कोई बात नहीं इसको उठा लेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे पहले डालते कोल, और ये मेरे को इधर ही मिला था, उधर मैं जस्ट उधर माइन कर रहा था ना तो मेरे को वहाँ पे थोड़ा सा कोल दिख गया, उसको तोड़ लिया और इसको उठा लेते हैं यहाँ से। और एक्सपी नहीं मिल रहा है, चलो ठीक है ये स्मेल्ट हो रहा है यहाँ पे। और अभी हम लोग चलते हैं नीचे लावा लेने के लिए ताकि हम लोग को और फ्यूल मिल सके। और बहुत ज़्यादा लंबा काम था, ऐसा मत समझना एक दो मिनट में हो गया, नहीं बहुत लंबा काम, बहुत लंबे टाइम का काम है। विलेजर ऐसे उठे रहते ना बेड से और इस साइड को नहीं रहते, डर लग जाता है ये लोग डिस्पॉन तो नहीं हो गया तो ये लोग कोई मॉब वॉब आके लोग को मार दिया, ऐसा डर लग जाता है मेरे को। चलो इसको उठा लिया, मैं सोचता हूँ वहाँ पे कोई डिस्पेंसर या तो वगैरह चीज़ को रखो जिससे वो ऑटोमेटिकली लावा को उठाते रहे, ऐसा कोई सिस्टम आता है तुम लोग को तो मेरे को कमेंट करो यार। ऐसा बार बार उधर आ जाते हैं लावा फिर उसके बाद वो इस वाले फर्नेस को यूज़ करते हैं इधर और इधर रख देते कॉबल स्टोन। हाँ स्मेल्टिंग के लिए तो रख दिया है, अभी नीचे वाले का देखते हैं कितना होगा, नीचे वाले में 7 हो गए, एक और आ जाने दो। और अभी हम लोग के 3 ही है। हाँ अभी एक बार हम लोग ऊपर जाता हूँ और फिर आयरन फार्म में जा सकता हूँ, एक बार देखते हैं उधर आयरन कितना है। और गाइस आपने ज़्यादा से ज़्यादा SMP में एक AK गेमर्स नाम वाले बंदे को तो आपने देखा ही होगा जो कि SMP में पिछले वीडियो में आया था, जिसको मैंने मुंह पे बंद किया था दरवाज़ा, आप सभी जानते होंगे। हाँ आप उनका भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में माँ उनके एक भाई भी है जो कि SMP में है,
उनका भी चैनल सब्सक्राइब कर दो, वो भी मस्त फ्री। अबे यार क्या है, आयरन ही नहीं आया यार, ये कैसे बात है यार। आज तो बेइज्जती हो गई मेरे फार्म की भाई। स्पॉन करो गोलम स्पॉन करो भाई। भाई साहब क्या हो गया अभी फार्म को, स्पॉन हो जाओ यार। कोई पॉकेट एडिशन का कोई अपडेट भी नहीं आया जिससे खराब हो जाइए भाई। प्लीज आ जा आयरन भाई, मेरे को बहुत जरूरत है अभी भाई, प्लीज। तो ऊपर चढ़ के देखता हूँ मैं खराब हुआ कि नहीं। एक बार यहाँ तो ऐसे जाके देख लेता। अबे यार चल 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 मेरे घर पर चल, इतना अटकना नहीं है। तो भाई जैसे कि सब देख सकते हो फार्म में कोई डिफरेंट तो नहीं लग रहा है मेरे को यहाँ पे, जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं लग रहा मेरे को। यहाँ पे लावा भी ठीक है, पानी भी ठीक है, अभी पता नहीं कौन से रीज़न से था। तो फिर चलो चलते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ से ब्लॉक को तोड़ के चलते हैं। ओपी को ले लेते हैं, ओपी चल ओपी इन दी चैट। ये पॉपी अगर फर्नेस में सीमेंट हो गए ना कितना अच्छा होता। अगर यहाँ पे स्टेयर के जो मैंने इतने अच्छे मेहनत से डिज़ाइन किया था, इसके क्रीपर्स और मेंबर्स पता नहीं क्या है, पूरा ख़राब हो गया। सबको ठीक करना है भाई, एक अलग सा एपिसोड बनाना पड़ेगा, रिपेयरिंग होल एसएमपी। अरे तुम लोग भी कुछ आइडिया दिया करो भाई, क्या और आगे क्या क्या बनाऊँ मैं सब की मेरी। और अभी देख के आता हूँ मैं अपना ये फर्नेस में कितना हुआ है। तो पहले ऊपर वाले फर्नेस में देख लेगा कोई कोल वोल पड़ा है क्या, हमेशा की तरह दोनों में कुछ नहीं है, मतलब कोल नहीं किसी को भी नीचे दिखे उठा लो। वॉल तो स्टोन ब्रिक्स से ही बनने वाला, बट थोड़ा कॉस्टली ब्लॉक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तीन की तीन ही है इसकी। फिफ्टी वो इतने हो गए। कुछ था पर लेकिन लावा आ जा प्लीज लावा। ये क्या प्रेस कर रहा हूँ मैं, ओके गाइस अभी यहाँ पे लावा आने का मैं कब से वेट कर रहा हूँ, पर लेकिन ये जो है लावा लेने का नाम okay, अभी हम लोग देखते हैं अभी और वापस लावा आया कि नहीं। आ जा चलो, लावा आ ही नहीं है, पहले उधर ऊपर जाके फिर वो ही देख लेता हूँ। तो अभी मेरे को लगता है हम लोग को लगता है थोड़ा स्टोन ब्रिक्स क्राफ्टिंग टेबल से ही बनाना पड़ेगा, और बचे हुए को अभी हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं। और अभी हम लोग वापस एक बार ओपन करते हैं इसको, और यहाँ पे थोड़ा कॉबल स्टोन कम हो गया तो लगा देते हैं।
और ये आ जा, और यहाँ पे इधर भी एक लगा दी। यहाँ पे तो बहुत कम हो गए कॉबलस्टोन, आ जा यहाँ पे घर पे आ जा। और यहाँ पे हो गए इतने सारे स्टोन्स, तो अभी हम लोग जाते हैं क्राफ्टिंग टेबल के अंदर और जाके बना देते हैं भर के स्टोन ब्रिक्स। रेसिपी कहाँ है रेसिपी स्टोन ब्रिक्स की? ये रे स्टोन ब्रिक्स और 92 बनेंगे। चलो ठीक है और बन गया, एक स्टोन बच रहा है इन्वेंट्री में। चलो एज इसको किसकी प्लेस पर रखें, किसकी प्लेस, चलो लेदर की प्लेस पर रख देते हैं। और अभी हम लोग बाउंड्री बनाना चालू कर देते हैं बाउंड्री। अभी हम लोग ऊपर टॉल बिल्डिंग, तो मैं वो द वर्धमान गेमर के साथ बनाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि एक प्लेयर अकेला इसको बनाएगा। एज मैं कह रहा हूँ तुम लोग वर्धमान गेमर्स को भी इन्फॉर्म कर देना कि ये बड़ा सा एक बनाना है, इतना मतलब ये इतना आसान काम नहीं है उसके लिए। तो अभी मैं सोच रहा हूँ बाउंड्री जस्ट फॉर देट रिवर, हाँ वो साइड का जो रिवर है उसकी साइड में से मैं वो उधर उसकी साइड से अभी शुरुआत करना चाहता हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ से यहाँ पे जाते, पहले तो यहाँ पे जाते इधर इस साइड पे जाके बाउंड्री को बनाना स्टार्ट करते हैं। और मेरा स्टोन ब्रिक्स कहाँ गए? ये रहे मेरे स्टोन ब्रिक्स। और भाई मेरा कैरेक्टर और क्या ऊपर जा रहा है। चलो और यहाँ से हम लोग पहुँच गए यहाँ पे, और यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग का बाउंड्री बनाना। शुरू करते हैं यहाँ पे एक ब्लॉक लगा देते हैं, तो इसके बाद यहाँ से हम लोग बनाने के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस भाई ये थोड़ा सा लंबा काम होने वाला है, मैं आप सभी को मिलता हूँ ये करने के बाद। ये बहुत ज़्यादा लंबा काम है इसके लिए, लेकिन मैं पक्का आते। तो गाइस मेरे हिसाब से आज की वीडियो के लिए इतना ही है। और गाइस मैंने अभी वॉल को इतना कंप्लीट कर दिया, अभी मैं तुम लोग को थोड़ा सा चल के नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। और मैं ऑफलाइन नहीं करने वाला काम, क्योंकि तुम लोग को लगेगा मैंने क्रिएटिव व्रिएटिव किया रहेगा, उसके लिए मैं आप सभी से मिलता हूँ। और गाइस मैं काम इसके लिए अभी मेरे को और भी करना था, पर लेकिन मैं अभी भी रुक रहा हूँ, मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है। सो गाइस मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।